पूरी दुनिया ऐलान सुन लवे सहाबा वाले बैत के बारे कोई एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मर्द इंज भी जाने अगर कोई अमन चाहता है तो अमन के एक ही तरीका है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। साढ़े तो वड्डा कोई मुहिब्बे वतन कोई नहीं। असी पाकिस्तान का एक रुपया भी नहीं खादा। अरबा रुपया खा के पाकिस्तान की बात करना और है, और मोटरसाइकिल और मोबाइल बेच कर दूर दराज से 2 नवंबर की कॉन्फ्रेंस में आकर लब्बैक का नारा लगाना और है। रैली कितने बजे निकलेगी, बंदे कितने होंगे, खत्म कि तुहाड़े प्यो दे मुल्क है दसे जेड़े पैर तो वड्डे उते बैठन सारे किसी का प्यो दादा काले पानी गया होवे। अंग्रेज दी चूलियां करदे रहो, साडे बुजुर्गों नूं फांसी देवाण लग्या, अज पाकिस्तान दे मामे बणदे हो। साडी मर्जी जिथे कढ़ीए जिस टाइम खत्म करिए। साडे पंजाब विच कहंदे मैं शर्मे मारे अंदर वड़िया, तू समझा मेरे को डरिया। इंसान दे पुत्तर बन जाओ। ये आप क्यों रैली निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि लाखों मुसलमानों ने जो खून दिया था उसका इजहार कर रहे हैं। तुम्हारी गुंडागर्दियों के लिए नहीं बना। तुम कौन होते हो मस्जिद वजीर खान में फिल्में बनाने वाले? और चंद टके दी खातिर अल्लाह के घर दी इतनी भी हुरमती की थी? तुहानू दस देंगे बदमाशियां करते हो। लबैक का नारा क्यों लगता मस्जिद में? तुम फिल्म सीन क्यों फिल्माया? आप कहते हो जी हमने पाबंदी लगा दी है, पहले क्यों किया? तुहानू मस्जिद का आदाब तो पता नहीं सी। रैली तो पहले पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया, आंदा नहीं होगा, जो हुआ उनके खिलाफ पर्चा कर दो। मस्जिद जड़िया कुड़ियों ने जान वास्ते रह गई, और साढ़े बुजुर्ग इस वास्ते कुर्बानियां दीतियां। मुड़ के लबैक के खिलाफ जी फलां जगह रैली नहीं निकालने दे रहे, तुम्हारे बाप का मुल्क है। हमसे बड़ा कोई ना मुहिब्बे वतन है ना कोई मुहिब्बे इस्लाम है तो सामने आए। खाली आज के रसूल के दावे करना हो रहे हैं, और फैजाबाद की ठंडी हवाओं में 21 दिन बैठकर लब्बैक का नारा लगाना हो रहा है। 8 शहीदों को कंधों पर उठाकर आना हो रहा है। 12,000 शल खाकर भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाना हो रहा है। संगत की खातिर चुप कर गया, पर तू समझा मैं ही मैं। बस यही है रसूलुल्लाह के दीन का पैगाम।